जय जोहार संगवारी हो, संगवारी हो। आप मन ला पता हो ही कि अभी हमार छत्तीसगढ़ हो चाहे पूरा विश्व हो, अभी एक वायरस बहुत ज़्यादा ही संक्रमित रूप से फैला थावे, वो है कोरोना वायरस। साथियों आप सब सुरक्षित रहो, जिस प्रकार जो जैसे शासन जो है जैसे हमारे बताया थे कि किस टाइप के मतलब सुरक्षा रहना है, उसी टाइप के आप उसका आज्ञा के पालन करत रहो और घर से शुरुआत करो। साथियों घर में यदि सर्दी खांसी कोई कुछ टाइप के हुई तो अपन सुरक्षा इला बरतो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सुरक्षित रहो तो सब सुरक्षित। दोस्तों अब हम हमारे वीडियो थोड़ा चलते हैं। साथियों आज हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र है इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में हम कौन कौन सा बात पढ़ेंगे, आप देख सकते हो, प्राकृतिक पारितंत्र, कृत्रिम पारितंत्र, पोषण स्तर, खाद्य श्रृंखला और खाद्य चक्र। फैक्ट बातें पढ़ेंगे, कोई आपको यहाँ पे डीप नहीं दिया जाएगा क्योंकि फैक्ट ही पूछा जाता है, ठीक है, उतना कोई अंदर से पूछा नहीं जाता। तो हम फैक्ट फैक्ट पढ़ते जाएंगे सिंपल सिंपल और अंत में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए साथी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्राकृतिक पारितंत्र। सबसे पहले आपको समझना होगा पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है, तो जैविक हो या अजैविक हो, ठीक है, इसमें जैविक रूप से हो चाहे अजैविक रूप से हो, एक दूसरे के साथ संपर्क में रह करके एक अंतः क्रिया में चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना, जीवन का निर्वाह करने से एक तंत्र का, एक सिस्टम का निर्माण होता है, जिसे क्या बोला जाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। जिसके अंदर पारिस्थितिक तंत्र का अंतर्गत दो प्रकार से हम पढ़ेंगे, एक तो है आपके प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा है कृत्रिम पारितंत्र, ठीक है। प्राकृतिक पारितंत्र को दो प्रकार से भी बांटा गया है, एक तो है आपके स्थलीय पारितंत्र दूसरा है साथियों जलीय पारितंत्र। जैविक और अजैविक रूप से एक सिस्टम का आदान प्रदान होना, भोजन स्तर का आदान प्रदान होना ही एक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। तो स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र इसके बारे में देखते हैं। तो आप देखेंगे कि स्थलीय पारितंत्र में कुछ नाम लिख रहा हूँ, जैसे घास पारितंत्र हो जाता है, घास या मैदानी पारितंत्र, ठीक है। दूसरा हो जाता है वन पारितंत्र, तीसरा हो जाता है पहाड़ी पारितंत्र, चौथा हो जाता है टुंड्रा पारितंत्र, ठीक है, और पांचवा हो जाता है आपके घास वन पहाड़ी टुंड्रा, ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद हम देखते हैं जलीय पारितंत्र के अंतर्गत देखते हैं, पहला है आपका तालाब, झील, समुद्र, महासागर, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे घास मैदान वन पहाड़ी टुंड्रा इस प्रकार से, है ना, जिसमें आपके स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत आ जाता है और यह आ जाता है आपका जलीय पारितंत्र के अंतर्गत। तो आपको यदि प्रश्न पूछा जाए कि प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद रखना होगा, घास वन पहाड़ी टुंड्रा, है ना, तालाब, झील, समुद्र और महासागर, इस प्रकार से आपको याद रखने होंगे, ठीक है। अब आता है आपके कृत्रिम पारितंत्र। कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत कौन कौन सा आता है हम देखते हैं। सबसे पहला तो आपको समझना चाहिए था प्राकृतिक पारितंत्र में, बताने के लिए भूल गया था। प्राकृतिक पारितंत्र में मानव का कोई इसमें मतभेद नहीं होता, कोई दखल नहीं होता, ये स्वयं से कम होता है, स्वयं में बढ़ता है और स्वयं निर्माण होता है, उसे बोलते हैं स्थलीय पारितंत्र, जिसके अंतर्गत आपके तालाब भी आ जाते हैं, झील भी आ जाते हैं, समुद्र भी और महासागर भी, और इस प्रकार से घास वन पहाड़ी और टुंड्रा भी आ जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है साथियों कृत्रिम पारितंत्र। कृत्रिम पारितंत्र हम किसे कहेंगे, मानव निर्मित, मानव द्वारा निर्मित अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए बनाया गया पारितंत्र, उसे बोला जाता है
मानव निर्मित पारितंत्र। तो मानव निर्मित पारितंत्र के अंतर्गत हम देखते हैं, सबसे पहले आता है आपके एक्वेरियम, दूसरा आ जाता है खेत, ठीक है, तीसरा जाता है अंतरिक्ष, ठीक है। साथ ही अंतरिक्ष में स्पेस जो होता है वो भी किसके अंदर, कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत आता है। एक्वेरियम जिसमें आप देखेंगे एक कांच के बक्सा होता है जहाँ पे कुछ जीवों को वहाँ पे रखा जाता है, जिसमें कि पारितंत्र निर्माण पारिस्थिति का निर्माण हो जाता है, उसे हम एक्वेरियम के अंतर्गत लेते हैं। खेत आप जानते हो फसल उगाया जाता है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आते हैं, उससे जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जो है मानव निर्मित अंतरिक्ष, आप स्पेस में जानते हो कि स्पेस में भी मानव जो है पहुँच चुका है और वहाँ पर अपना एक पारिस्थितिक बना डाले, ठीक है। तो ये हो गया कृत्रिम। कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि इनमें से कौन सा जो है कृत्रिम पारितंत्र है। साथियों आप देख सकते हो एक्वेरियम, खेत और अंतरिक्ष ये पारितंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आता है पोषण स्तर। साथियों पोषण स्तर के अंतर्गत हम देखेंगे कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि पोषण स्तर का पहला होता है उत्पादक, ठीक है। उत्पादक क्या होता है, जितने जो उत्पादक का मतलब है क्या होता है, आप जानते होंगे कि जो स्वयं जो अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, उसे हम उत्पादक, मूल उत्पादक के रूप में जानते हैं। और ये यही क्या होता है, प्रथम पोषण स्तर होता है। प्रथम पोषण स्तर इसलिए होता है क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता के लिए भोजन का निर्माण होता है, ठीक है। इसके माध्यम से प्राथमिक उपभोक्ता के लिए भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। अब आता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। तो साथियों प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहेंगे, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो जाएगी, द्वितीय पोषण स्तर हो जाएगा, द्वितीय पोषण स्तर, ठीक है। लेकिन द्वितीय जो प्राथमिक उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता के, द्वितीय उपभोक्ता के लिए पोषण स्तर का निर्माण करता है, मतलब ये द्वितीयक, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता के लिए पोषण स्तर का निर्माण करता है। और यह हो जाता है आपका तृतीयक पोषण स्तर, मतलब प्राथम उत्पादक जो है प्रथम पोषण स्तर का निर्माण करता है क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता के लिए भोजन का निर्माण करता है, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक के लिए भोजन का निर्माण करता है। इस प्रकार से द्वितीयक पोषक स्तर हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता जो है तृतीयक पोषक स्तर का निर्माण करता है, तृतीय उपभोक्ता के लिए भोजन का निर्माण करता है, इसलिए तृतीय पोषक स्तर कहलाता है, ठीक है ना। अब आता है साथियों यहाँ पे खाद्य श्रृंखला, ठीक है, खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं, खाद्य श्रृंखला हम किसे कहेंगे, पर्यावरण में एक सरल रेखीय एक खाद्य श्रृंखला बनता है जिसमें आपके कुछ चरणें होती हैं, जैसे उत्पादक, ठीक है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद आता है आपके द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरे नंबर में आता है तृतीय उपभोक्ता, ठीक है। तो उत्पादक के रूप में आप क्या ले सकते हो, घास, जो है स्वयं जो है अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या ले सकते हैं इसके अंतर्गत, प्राथमिक उपभोक्ता जो घास को भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे खरगोश, ठीक है। अब खरगोश के बाद क्या ले सकते हैं आप, या तो आप ले सकते हो टिड्डा, चलिए टिड्डा ले सकते हो, घास को टिड्डा खाते हैं। अब टिड्डा को कौन खाता है,
आपके सर्प, ठीक है, सर्प इसका ग्रहण करते हैं। उसके बाद इसको कौन खाता है, बाज, ठीक है। तो इस प्रकार से एक सरल रेखीय संरचना का निर्माण करता है, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। दोस्तों खाद्य श्रृंखला जो है प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र में अलग अलग उपभोक्ता के रूप में लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से आप देखेंगे, आपको खाद्य श्रृंखला भी पूछते हैं कि कितने प्रकार की खाद्य श्रृंखला है। तो दोस्तों तीन प्रकार की खाद्य श्रृंखला है। तो कौन कौन सा खाद्य श्रृंखला मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, परभक्षी, परभक्षी खाद्य श्रृंखला। दूसरा है परजीवी खाद्य श्रृंखला और तीसरा है मृतोपजीवी, मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला, ठीक है। अब परभक्षी खाद्य श्रृंखला, कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें तीन प्रकार के होते हैं, परभक्षी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला और मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आपको पूछेंगे कि परभक्षी खाद्य श्रृंखला होता क्या है, ठीक है। तो ये हरे पेड़ पौधे से शुरू होते हैं, हरे पेड़ पौधे से शुरू होते हैं और छोटे छोटे जीवों से शुरू होकर के बड़े जीवों की ओर चलती है, छोटे जीव से बड़े जीव जीवों की ओर बढ़ती है, उसे परभक्षी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। हरे पेड़ पौधे से शुरू होते हैं, ठीक है। परजीवी, परजीवी जो है बड़े जीवों से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, छोटे जन छोटे जीवों से, ठीक है ना, छोटे जीवों की ओर शुरू होते हैं। अब जो मृतोपजीवी होता क्या है, मृत शरीर से शुरुआत होता है, मृत शरीर से शुरुआत होता है और सूक्ष्म जीवों की ओर से शुरू होकर सूक्ष्म जीवों की ओर बढ़ती है, ठीक है ना। परभक्षी खाद्य श्रृंखला हरे पौधे शुरू होते हैं, जो छोटे जीवों से क्रमशः बड़े जीवों की ओर चलती है। परजीवी खाद्य श्रृंखला जो होता है बड़े जीवों से शुरू होते हैं और क्रमशः छोटे जीवों की ओर बढ़ती है। मृतोपजीवी के अंतर्गत आता है मृत शरीर से शुरू होकर के सूक्ष्म जीवों की ओर बढ़ती है, ठीक है। अब हम देखते हैं साथियों, यहाँ पे तीन प्रकार के होते हैं, ये तो हम पढ़ लिए। अब आता है खाद्य जाल, ठीक है ना। तो खाद्य जाल के अंतर्गत क्या होता है कि जिस प्रकार से हमने खाद्य श्रृंखला पढ़ा, उसे विभिन्न एक खाद्य श्रृंखलाएँ आपस में एक संरचना, एक जाल का निर्माण करता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, कि घास, अब घास से मैंने क्या लिया था, टिड्डा लिया था, लेकिन घास को केवल टिड्डा नहीं खाता, घास को खरगोश खाते हैं, हिरण भी खाते हैं, इस प्रकार से ले सकते हो। अब टिड्डा को मेंढक खाते हैं, मेंढक को सर्प खाते हैं और सर्प को बाज खाते हैं। अब खरगोश को भी आप देख सकते हो, खरगोश को क्या कौन खा सकते हैं, बाज भी खा सकते हैं, हिरण को शेर खाते हैं, ठीक। तो एक चीज़ से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब ये जो है बाज को शेर भी खाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से एक जाल का निर्माण। ऐसे बहुत सारे जंतु होते हैं, जैसे यहाँ पे गाय हो जाएगा, ठीक है, गाय को शेर मांसाहारी जो होता है वो भी खा लेगा शेर। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला का निर्माण होता है,
उसे क्या बोलते हैं हम, एक खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल के होने से क्या फ़ायदा है और इसका लाभ क्या है, ठीक है। तो खाद्य जाल के होने से हमको ये फ़ायदा है कि प्रकृति में संतुलन बना रहेगा। जैसे यदि मैं बोलूँ ये हमारे पास ये इस चीज़ को हम ख़त्म कर देते हैं, खरगोश को, तो खरगोश को कौन खाता रहा है, आपके बाज, ठीक है। अब ये खरगोश नहीं रहेगा, नहीं रहा, तो किसको खाएगा बाज, सर्प को खाएगा। तो इसमें सर्प की मात्रा जो है कम हो जाएगी और ये मेढ़ा को खाने वाला बंद हो जाएगा। अब मेढ़ा की संख्या बढ़ जाएगी तो टिड्डा कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी संख्या बढ़ जाएगा इसको खाने, तो अब टिड्डा की मात्रा कम हो जाएगी तो घास की संख्या बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रकृति में संतुलन जो बना हुआ है वो असंतुलित रह सकता है। तो खाद्य जाल के होने से प्रकृति में संतुलन बना रहता है, ठीक है। मैंने सिंपल सी बात बताया। कभी कभी प्रश्न पूछते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। देखो यहाँ पे हम वन, दूसरा है तालाब, वन तालाब, ठीक है, दो चीज़ के बारे में बात करते हैं। वन में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है और द्वितीयक उपभोक्ता कौन सा है, ठीक है। तालाब में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है और द्वितीयक उपभोक्ता कौन, महत्वपूर्ण है। तो वन में आ जाता है आपके घास, हिरण, शेर। सीधी सी बात है, शेर जो है द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम तालाब की बात करते हैं, तालाब में, ठीक है, तालाब में कीट, कीड़े, छोटे कीड़े, फिर क्या आ जाते हैं, बड़े कीड़े, बड़े कीट और छोटे मछली, ठीक है ना। अब तीसरे नंबर में आ जाएगा बड़ी मछली, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, उत्पादक, ये क्या हो जाएंगे, प्रथम उपभोक्ता, ये क्या जाएंगे आपके, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। अब यहाँ पे घास उत्पादक हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा और तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। इसी में पोषण स्तर भी पूछ दिया जाता है कि प्रथम पोषण स्तर कौन सा है, द्वितीय कौन सा है और तृतीय कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये हो जाएगा आपका प्रथम पोषण स्तर, द्वितीयक और ये तृतीयक, ठीक है ना। शेर कौन सा हो जाएगा, तृतीयक पोषण स्तर होगा, ठीक है। आप देख रहे हो ना, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इसी प्रकार से यहाँ पे प्रथम, द्वितीय और ये तृतीय एक पोषण स्तर होता है। तो अलग अलग में अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि बड़े कीट और छोटे मछली, तालाब में बड़े कीट और छोटे मछली, इनमें से कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता या इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से प्रश्न पूछ देते हैं। कभी कभी वन में पूछते हैं कि वन में शेर में शेर कौन सा होगा, द्वितीयक उपभोक्ता होगा कि तृतीयक उपभोक्ता होगा, तो ये तृतीयक उपभोक्ता होगा, ठीक है ना। कभी कभी ये प्रश्न पूछते हैं कि मांसाहारी जंतु है वो द्वितीयक उपभोक्ता होता है कि तृतीयक होता है। तो साथियों, मांसाहारी जो है दोनों प्रकार के होते हैं। देखो ये हो गया आपका घास, यहाँ पे आ जाएगा चलिए टिड्डा, है ना। अब इसको खाने वाले, चलिए सर्प, मैं यहाँ सर्प ले लेता हूँ, सर्प। तो ये हो गया आपका प्रथम उपभोक्ता, ये क्या हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे लूँ शेर तो ये क्या हो जाएगा आपका, तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक है ना। टिड्डा को खाने वाले जो भी रहेंगे, बाज, जैसे बाज ले लेता हूँ, तो यहाँ पे जो मांसाहारी है वो द्वितीयक भी होता है और तृतीयक भी होता है, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपको प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत समझ में आ गया, कृत्रिम पारितंत्र समझ में आ गया, पोषण स्तर, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, ये छोटी सी जानकारी थी। छोटी सी जानकारी को हमने कुछ उदाहरण सहित
समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।